हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है धंधा की है पूर्वानुमान बिजनेस फॉरकास्टिंग। ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर इसके अंदर आने वाली जितनी मेथड है उसकी रिगार्डिंग एक एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या करेंगे, एक मेथड के रिगार्डिंग और कुछ सम हम प्रैक्टिस करने वाले, जिससे कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीपली हम समझ पाएंगे। कुछ डिफिकल्ट सम सम सॉल्व करने वाले। जो मेथड आज हम सीखने वाले उसका नाम है सुरेख वलन्नु अनुयोजन स्ट्रेट लाइन मेथड। जो हम सम प्रैक्टिस करने वाले, आप बुक में जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 45, और 45 जो 2017 में पूछा गया था वो डी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, जिसके अंदर हेडलाइन में लिखा आप देखिएगा मेथड का नाम सुरेख वलन्नु अनुयोजन करी वर्ष 2017 ना वेचाणनु पूर्वानुमान मेड़ो। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हमको अप्लाई करना है और साथ साथ में 2017 के लिए फॉरकास्टिंग पूर्वानुमान भी करना है कि उस टाइम जो सेल्स है, जो वेचाण है, वो कितना होगा। तो कंप्लीट मैंने समस्या राइट डाउन किया हुआ है। वर्ष स्टार्टिंग में ईयर दिए गए, फिर वेचाण सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी गई जो करोड़ में दी गई, ठीक है। तो सम्स मैंने राइट डाउन किया हुआ, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई होप आपने वो सब देखा होगा। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके थ्रू आपको ये सम आज का बहुत ही ईजी लगेगा। तो यहाँ पर जो भी ईयर दिए थे वर्ष, वो राइट डाउन किए हुए 2010 से लेकर 11, 12, 13, 14 और 15। साथ साथ में जो वेचाण दिया गया था सेल्स, आप जानते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वेचाण की रिगार्डिंग हो, उत्पादन की रिगार्डिंग हो, मतलब सेल्स हो या प्रोडक्शन, वो हमारा वाई बन जाता है। हम क्या लिखेंगे उसको, डायरेक्ट वाई लिखेंगे। जो हमें 70, 75, 100, 110, 150 और 165 दिया गया था। अब आगे जो हमें टेबल सॉल्व करना है उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें जो इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे और एंड में फॉरकास्टिंग पूर्वानुमान फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको जल्दी समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। टेबल में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना रहता है, एक्स फाइंड आउट करना रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो न्यू वाला एक्स है, क्योंकि जो ईयर दिए गए होते वर्ष उससे ऑलरेडी हमें ओल्ड वाला एक्स माना जाता है। अब ये वाला एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो ईयर ऑलरेडी दिया गया है उसमें से हमको माइनस करना रहता है मिडल ईयर। कौन सा वाला ईयर माइनस करना रहता है, मिडल ईयर माइनस करना रहता है। इसका मतलब जो बच्चे एकदम बीचों बीच जो ईयर आएगा वो वाला हमको माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर मैं सम सी ऐसा लिया, आप चेकआउट कीजिए। या मिडल में आपको डायरेक्ट एक ईयर नहीं देखने को मिल रहा होगा, 2012 और 13, ये दो ईयर आपके मिडल में आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ईयर दिए गए। तो यहाँ पर 3 और 4 ये दो मिडल में आ रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरह से मिडल ईयर फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो जब भी दो वैल्यू मिडल में आ रही हो तो आपको दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। दोनों को याद रखिएगा, प्लस कर लीजिएगा, दो से डिवाइड कर लीजिएगा। दोनों को प्लस करके दो से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 2012 प्लस 2013 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ऑटोमेटिक 2012.5 आपको मिलने वाला है। ये हमारा मिडल ईयर बन जाएगा। तो x माइनस 2012.5। अब यहाँ पे एक बार और ध्यान से समझिएगा, जब भी पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में आ जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है, कोष्टक करके उसके आगे 2 लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे क्या रहेगा, पॉइंट वाला राउंड फिगर में हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, इजी। लेकिन कहीं बार ऐसा होता है कि मिडल में जैसे 2010 है और यहाँ पर 2012 है, डिवाइड में 2 करने पर डायरेक्ट 2011 आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको 2 आगे मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि अब आपको डायरेक्ट 2011 राउंड फिगर में मिला है, इसलिए याद रखिएगा। लेकिन जब भी आपको पॉइंट में मिलेगा तभी आपको आगे मल्टीप्लाई में 2 रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अगर 2 कब रखना है कब नहीं रखना है। और यहाँ पर मिडल में जब भी आपको मिले तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। बस अपना काम शुरू करते हैं। अब एकदम सेम टू सेम है। तो सबसे पहले एक्स, तो ओल्ड वाला ईयर देख लीजिए 2010 में से माइनस क्या करना है, 2012.5। यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, 2010 माइनस 2012.5, तो माइनस का 2.5 मिलेगा। अभी हुआ नहीं है, यही का ये आप मत रखिएगा, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में क्या रखा गया हमने, 2, क्योंकि ये पॉइंट में आया तो उसको राउंड फिगर करने के लिए मल्टीप्लाई में जब 2 करोगे तो आपको एग्जैक्ट माइनस का क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जिससे कि आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे सेम प्रोसेस समझ गए होंगे। 2011 माइनस 2012.5, तो 1.5 आएगा माइनस का, इंटू में 2 करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस साइन भूलिएगा मत। नेक्स्ट 2012 है, 2012 माइनस 2012.5,
तो माइनस में 0.5 आएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। आप समझ गए होंगे, अब 2013 में से माइनस करोगे तो प्लस का 0.5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आएगा, 2014 में से माइनस करोगे प्लस का 1.5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2015 में से माइनस करोगे तो प्लस का 2.5 आएगा और मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5 आएगा। क्लियर हुआ? ये सबसे मेन टेबल है, याद रखिएगा 2 आगे मल्टीप्लाई में क्यों ऐड किया गया वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टेबल हमारा तो एक्स और वाई, जो हमने एक्स फाइंड आउट किया और जो ऑलरेडी वाई की वैल्यू दी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। साइन को भूलिए मत, माइनस जहाँ पर वो माइनस यूज़ कीजिएगा। 70 मल्टीप्लाई माइनस का 5 तो माइनस का 350 हो जाएगा, 75 माइनस का 3 तो माइनस का 225, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 100, यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आएगा 110, 3 से मल्टीप्लाई किया 450 और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया 825। क्लियर हुआ होगा? लास्ट टेबल है हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी जो हमने एक्स की सारी वैल्यू फाइंड आउट की उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते समय सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो 5 × 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बट याद रखिए प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और 5 का 25। तो टेबल हमारा हो गया यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट। अब हमें टोटल करना है, रखना है सभी का टोटल करना है सभी का। तो वाई से स्टार्ट करते हैं, तो वाई ऑलरेडी सम्स में दिया गया था तो 670 इसका टोटल आया, यहाँ पर आपका 0 हो रहा है, ठीक है एग्जैक्ट। यहाँ पर पहले प्लस की वैल्यू प्लस कीजिएगा, फिर माइनस की वैल्यू माइनस कीजिएगा, ऑटोमेटिक जो होगा प्लस का तो प्लस आ जाएगा आंसर, माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस में मिलने वाला है 710 मिलने वाला है, यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस कीजिए, प्लस कर लीजिए, प्लस में मिलेगा आपको 70। तो ये हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट, 50% वर्क हो चुका है पूरा। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन सॉल्यूशन करके, हमारा जो मेन समीकरण जो है उसके अंदर जो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए यहाँ पर 2 इक्वेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा सिग्मा वाई इज इक्वल एन ए प्लस बी एक्स, अब वैल्यू समझिएगा, सिग्मा वाई ऑलरेडी सम्स में दिया गया, टोटल मारा आपने कितना मिला 670, एन मतलब होता नंबर, जितने ईयर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, कितने ईयर की इन्फॉर्मेशन है 6 है, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर 6 होगा। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सिग्मा एक्स लिखा गया है तो सिग्मा एक्स मतलब जो एक्स का टेबल है उसका टोटल कितना है यहाँ पर 0, और हमेशा 0 ही आना चाहिए जिससे हमारा आंसर हो जाएगा, वरना 0 नहीं आया तो आपको इक्वेशन बन जाएगा। अभी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास बचेगा, वो बचेगा 6a बचेगा। अब जानते हैं इसके आगे क्या करना चाहिए, 6 का डिवाइड करना चाहिए इक्वल के उस साइड मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 6 से जैसे डिवाइड करोगे तो आपको ए का आंसर मिल जाएगा 111.67 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके डायरेक्ट ए का आंसर आपको ऑलवेज मिल जाएगा, क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ पर लगाना है जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई का टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया है, उसका भी आंसर हमने लाया हुआ है, वैल्यू राइट डाउन कर लीजिए 710। ए की वैल्यू मत रखिए अभी, ऐसा कैसा लिखिए, सिग्मा एक्स आप जानते हैं कितना, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 है, प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी आपने फाइंड आउट किया है कितना आ रहा है यहाँ पर 70 आ रहा है। अब 0 नहीं, की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कोई मीनिंग तो रहेगा नहीं, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 70b बचेगा। अब सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई का क्या करोगे आप, यहाँ पर डिवाइड में लेके जाओगे 70, वो 70 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा वो 10.14, ये हमारा बी का आंसर बन जाएगा। इसी के साथ मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, ए और बी का हमारा आंसर आ चुका है। और जो मेन इक्वेशन है अनुयोजन जो है उसका जो फॉर्मूला याद रखिएगा, वाई कैफ इज इक्वल ए प्लस बी और ये एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, पहले वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं ए और बी दोनों की जो हमने फाइंड आउट की, तो ए इज इक्वल टू 111.67 प्लस बी इज इक्वल टू 10.14। अब ये एक्स याद रखिएगा, ये एक्स क्या है, ये एक्स आपने जो टेबल में क्रिएट किया ना, ये एक्स ये उसकी वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल करके जो भी यहाँ पर है पूरा का पूरा राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 है वो भी भूलिएगा मत, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो 2 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 2012.5, तो ये पूरा हमारा इक्वेशन हो चुका है जो मैं फाइंड आउट कर। अब आगे फॉरकास्टिंग पूछा है कि नहीं वो चेकआउट कर लेते, ठीक है। अगर ना पूछा तो भी आपको क्या करना चाहिए, अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 2 का ये जो बी है इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके एक बार रख लीजिए,
ठीक है, आगे वैल्यू फॉरकास्टिंग करने को बोला हो या ना बोला, इतना काम कर लीजिए, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20.28 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 2012.5 बचा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया, और आगे आगे देगा तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं देगा तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है पूरा। तो एक बार सम्स में हम लोग चेक कर लेते कौन सी ईयर का फॉरकास्टिंग पूछा गया था। तो इस सम्स में अगर देख रहे हो आप तो 2017 के लिए फॉरकास्टिंग पूरा अनुमान पूछा गया था, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल 2017 आपको रखना है, तो 2017 का यहाँ पर फॉरकास्टिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जहाँ पर x है उसकी जगह 2017 रख लीजिए, ठीक है, माइनस में 2012.5 था, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी यहाँ पर 4.5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, ठीक है, इतना प्रोसेस आप जानते होंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको 91.26 मिलेगा। लास्ट में दोनों वैल्यू प्लस में, तो हम लोग प्लस कर देंगे, और प्लस करने के साथ हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 202.93। ये हमने वाई फॉरकास्टिंग फाइंड आउट किया 2017 के लिए। बस एक बार आंसर में जो आपको पता है कि वैल्यू करोड़ में दे, तो आप करोड़ एक बार राइट डाउन कर लीजिए, जो भी दिया वो एकम यूनिट आपको राइट डाउन कर देना, जिससे हमारा पूरा सम्स हो जाए कंप्लीट और पूरे मार्क आपको मिल जाए। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आपने क्या सीखा, जब भी मिडल में ना मिले दो वैल्यू को कैसे मिडल वैल्यू में फाइंड आउट कन्वर्ट करना है, और पॉइंट में हो तो आगे दो कैसे ऐड करना है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी सिंपल प्रोसेस फर्स्ट वाले वीडियो में समझाया था, वैसे समझा चुका। इस मेथड के रिगार्डिंग और कोई सम्स चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट कोई भी मेथड के रिगार्डिंग भी इस चैप्टर में कोई सम्स आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो में मुझसे कवर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।